क्या है वायरल वो इंटरव्यू जिसमें आप सभी की फेवरेट इरफान खान की गमगीन जिंदगी से उठा है पर्दा, गमगीन जिंदगी के दर्द से उठा है पर्दा। हो रहा है वायरल वो सच जिससे आप भी होंगे अनजान। जी हाँ, इरफान खान आखिरी समय में कैसी स्थिति का सामना कर रहे थे इसका आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि आईसीयू में भर्ती इरफान खान को ना सिर्फ तकलीफ थी शारीरिक, बल्कि उन्हें तकलीफ और भी कई गुना ज़्यादा थी। इरफान खान के बारे में हम आपको ये भी जानकारी ज़रूर देना चाहेंगे कि दरअसल इरफान खान जो हैं सो बहुत तकलीफ में इसलिए थे आखिरी समय में, क्योंकि उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे थी। इरफान खान कैमियो लेना भूल जाते थे, कि खबरें ऐसी वायरल हो रही है कि कैंसर में जो कैमियो के ज़रिए ट्रीटमेंट होता है उस ट्रीटमेंट से दूर इरफान खान अपने फिल्म की शूटिंग की वजह से कई बार कीमियोथेरेपी लेना भूल जाते थे, कई बार वो अपनी कीमियोथेरेपी मिस करते थे, जिसकी कारण स्थिति और बिगड़ती है अगर मानिए डॉक्टरों की। तो कीमियो बहुत ज़रूरी है कैंसर में, और लास्ट स्टेज, यहाँ कैंसर के फोर्थ स्टेज में थे वो, और उस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा बारीकी से इसका ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। लेकिन आखिरी समय से पहले भी फिल्म की शूटिंग में बिजी रहे थे इरफान खान। अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग की वजह से इरफान अपनी सेहत पर जितना चाहते थे उतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाते थे। यही कारण है कि इरफान खान की स्थिति बहुत ज़्यादा तकलीफ देह हो गई थी आखिरी समय के वक्त में। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।